वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल नॉलेज पॉइंट. जस्ट आई एम स्टार्टिंग ट्रिगोनोमेट्री विथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 10th एंड इट इज ऑफ पार्ट फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 1 एंड देर आर 5 क्वेश्चंस. सो वी हैव टू प्रूव. फर्स्ट आई एम गिविंग द सॉल्यूशन फॉर 1A. फर्स्ट वी राइट LHS sec theta 1 माइनस साइन थीटा sec theta प्लस tan theta. इजियर लेवल क्वेश्चन है ये, और इसीलिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस को जो है समावेशित किया है. यहाँ sec theta को आप 1 बाय cos theta लिखो, 1 माइनस साइन थीटा लिखो, sec theta प्लस tan theta लिखो. अब इसे मल्टीप्लाई करो, 1 बाय cos theta माइनस साइन थीटा बाय cos theta. ये sec theta प्लस tan theta, यहाँ sec theta माइनस tan theta, sec theta प्लस tan theta. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जैसा कि आगे आप जानते हैं आइडेंटिटी में कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1. और जैसा कि देख रहे हैं कि RHS 1 मांग रहा था, LHS इक्वल टू RHS. सो जस्ट आई हैव कंप्लीटेड ए क्वेश्चन नंबर 1 का. इसी 1 का बी है, cos थीटा LHS, जिसमें है cos थीटा के बटे में 1 माइनस tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में cos थीटा माइनस साइन थीटा. यहाँ से देखिए tan को सिर्फ चेंज करेंगे, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा. जैसा कि आप जानते हैं कि इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप सेम कोई भी रेशियो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ डिनोमिनेटर cos थीटा है तो हम cos थीटा से इसको फिर इसके दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बाई ये cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा. अब यहाँ से LCM cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर रहा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज डिनोमिनेटर कॉमन है. अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. नीचे cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रहा cos थीटा प्लस साइन थीटा. जैसा कि आप देखिए यहाँ RHS में cos थीटा प्लस साइन थीटा है तो RHS आ गया, hence LHS इक्वल टू RHS. सो स्टूडेंट्स बी नंबर आई हैव कंप्लीटेड. नंबर सी देखिए, जिसमें LHS है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ये आइडेंटिटी से sec स्क्वायर थीटा हो जाता है और ये आइडेंटिटी से cos स्क्वायर थीटा. यहाँ पर रेसिप्रोकल से 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रेसिप्रोकल से 1 बाय sin स्क्वायर थीटा. 1 इंटू 1 1, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर माइनस साइन 4, तो इसको चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी में होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 होगा साइन स्क्वायर थीटा,
माइनस साइन फोर थीटा। देखिए यहाँ आरएचएस में तो हमारा आरएचएस मिल गया इस तरह से, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ओके प्रूव्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी में है आपका साइन टू द पावर सिक्स थीटा एलएचएस साइन टू द पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस टू द पावर सिक्स थीटा। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है स्क्वायर का क्यूब, लिखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फार्मूला तो जानते ही हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी। यही फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में ए के लिए साइन स्क्वायर थीटा, बी के लिए कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हमने साइन स्क्वायर थीटा को ए कंसीडर किया, कॉस स्क्वायर थीटा को बी। जैसा कि जानते हैं आइडेंटिटी में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, वन का क्यूब माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले वन। तो ये वन का क्यूब वन माइनस थ्री इंटू वन थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर आर एच एस में वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ गया हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सो स्टूडेंट्स जस्ट आई हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर डी ऑफ। स्टूडेंट्स लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, कॉसेक फोर कॉसेक पावर फोर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसको बदल करके लाना है कॉट टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों से कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहाँ से आइडेंटिटी में ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है और ये कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट फोर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमारा आरएचएस मिल गया। हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स जस्ट आपको इन बिटवीन दी वीडियो कुछ शेयर करना चाहते हैं कि यह वीडियो आप अवश्य देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो कैसा लगता है आपको, अच्छा या क्या दिक्कतें आ रही हैं कि आप इसको नहीं देख पाने में सक्षम हो रहे हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में इसको शेयर करें। क्वेश्चन और भी बहुत सारे आपके लिए हैं, लेकिन ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ, उसके लिए आपका योगदान है कि आप इसको देखें अनुभव लें। अगेन हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर टू में भी दो पार्ट लिया है, प्रूव दैट, दोनों ये प्रूव ही है। फर्स्ट नंबर एलएचएस साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ क्या है,
ये साइन थीटा बाई इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन निकल करके ले आएंगे ताकि ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और ये साइन थीटा। अब ज़रा देखिए कि एलसीएम इनका तो होना है, तो हमने एलसीएम लिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, कॉमन ले लिया साइन थीटा, यहाँ आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, साइन कॉमन ले लिया तो ये यहाँ आ गया और ये प्लस यहाँ आ गया। अब यहाँ से कॉट थीटा कैंसिल। अब ज़रा देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, टू कॉसेक थीटा साइन थीटा इंटू टू कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा टू। जैसा कि जानते हैं कि साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सभी जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और ये आइडेंटिटी है, तो टू इंटू रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट वन होता है और बाय वन इज इक्वल टू टू। सो जस्ट आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर वन ऑफ टू। सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो कि प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट, दैट मीन्स कि आपको LHS टू RHS, और इसके लिए कभी रेसिप्रोकल यूज़ करना है, कभी आइडेंटिटी यूज़ करना है, तो ये सारा हमारा इंडिकेशन बता रहा है कि इन सारे चीज़ों को हमें गेट बाय हर्ट करना है, लर्न करना है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स मस्ट लर्न एवरीथिंग, दैट मीन्स आइडेंटिटी दैट यू हैव टू लर्न एंड ऑल द फॉर्मूले विच हैव कम इन दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न, दिस इज द मोटो टू यू। सेकेंड का सेकेंड देखिए, सेकेंड का सेकेंड LHS, फर्स्ट वी हैव टू राइट कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। नाइदर ओनली फार्मूला फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री बट ऑल्सो अलजेब्रिक फार्मूला, यू सी यहाँ पर अलजेब्रिक क्यूब क्यूब वगैरह है तो अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा, यानी मल्टी लेवल आपको बनना पड़ेगा सॉल्व करने का। अब देखिए यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये सिर्फ मैंने इसका सॉल्व किया। फिर आगे देखिए ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस ए बी बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जैसा कि आप जानते हैं आइडेंटिटी से कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वो भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी यहाँ तो सही ही है, यहाँ ही मिस्टेक था। और इस तरह से वन प्लस वन टू, ये RHS आ गया, और इस तरह से LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आई हैव कंप्लीटेड
टू क्वेश्चंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर टू। हाँ स्टूडेंट्स, थ्री में भी हमने दो पार्ट लिए हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। LHS है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को लाना है, 2 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। जैसा कि ट्राइनोमियल के स्क्वायर अलजेब्रा को आप ध्यान में रखो और यहाँ यूज करो कौन से फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a साइन थीटा से माइनस लगा है, माइनस का प्रयोग करेंगे, 2 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 1, 1 माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, देखिए प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2, माइनस 2 साइन थीटा माइनस, यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस 1, यहाँ से ओनली 2 कॉमन लेंगे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ से फिर माइनस कॉमन लेंगे प्लस 2 कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास 2 भी कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन थीटा भी कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, परहैप्स 2 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। सो जस्ट आई हैव कंप्लीटेड LHS इक्वल टू RHS एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पर हैं। यहाँ है आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाना है, देन ये लाना है। तो देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ रेशनलाइज कर दीजिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जिससे क्या होगा कि ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा जिसका वैल्यू 1 होगा, और ऊपर ए प्लस बी ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, पहले तो हमें ये ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत तो है ये, तो इसको आप लिखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर बाय ए वन, क्योंकि इसका ये तो आइडेंटिटी है, और इस तरह से आप इसको लिख दीजिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पर लाएंगे। नाउ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब यहाँ देखिए क्या लाना है, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसको
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन के रूप में आइडेंटिटी में लिखोगे और ये हो गया प्लस टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ से देखिए वन, तो ये आप वन यहाँ ले आओ। यहाँ से देखिए टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर टू कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए टू कॉसेक कॉट, टू कॉसेक इंटू कॉट थीटा। तो हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये मिला और इसको एक्सपेंड किया तो ये मिला। हैंस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से मिला। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ से आगे मिला वन प्लस टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉसेक थीटा कॉट थीटा। एंड सॉल्यूशन ऑफ बोथ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर थ्री आई हैव कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर, प्रूव दैट वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लाना है इज इक्वल टू सेक बाय कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक बाय सेक स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एज पर सेक ऑफ द कॉन्वीनियंस हमको एल एच एस लिखना है, दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट। ये है आपका वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हम वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जिसको कॉसेंट ऑफ दी टी रेशियोज भी कहा जाता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बेसिक कंसेप्ट मैंने इसको चर्चा में लाया था। अब आपके दिमाग में घूम ही रहा होगा, यहाँ से एक एलसीएम बनाते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ग्रुप का, जो यहाँ आ करके वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अलजेब्रिक हमारा दिमाग को सर्कुलेट करते रहना है, साइन माइनस कॉस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपने फार्मूला देखा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो जाकर के क्या होता है ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। तो क्या इसी का इस्तेमाल किया जाए यहाँ पर तो सही रहेगा, मैंने वही किया। ए मतलब इसको साइन क्यूब से, माइनस बी कॉस क्यूब से, और बाय साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर यहाँ पर क्या हुआ सेपरेशन, साइन क्यूब थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ भी एक छोटी सी मिस्टेक नहीं बल्कि ब्लंडर भी कह दीजिए तो कोई बात नहीं। अब देखिए साइन क्यूब को, अब यहाँ पे एक साइन को यहाँ से कैंसिलेशन, एक कॉस को यहाँ से कैंसिलेशन, तो साइन स्क्वायर है इसको आप लिखिए वन बाय कॉस एक स्क्वायर, और फिर कॉस है वन बाय सेक माइनस कॉस स्क्वायर है वन बाय सेक स्क्वायर, साइन है वन बाय कॉस एक थीटा। अब यहाँ से सेक सबसे ऊपर जाएगा, सेक थीटा बाय कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस एक थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर फोर के सॉल्यूशन में एल एच एस को किस तरह से हमने आर एच एस में कन्वर्ट कर दिया। सो स्टूडेंट्स जस्ट आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर फोर। फ्रेंड्स नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, ये कहता है कि प्रूव दैट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
इंटू देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिख ले लेते हैं। चलिए ये वन बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि देखिए स्टूडेंट्स सेक जो है वह क्या है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस क्या है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मैं क्या करना चाहूँगा यहाँ, जब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हम इसके रेसिप्रोकल यानी कॉस से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके रेसिप्रोकल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो हमने यहाँ कॉस स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और इस दोनों को भी, तो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर वन हो गया और ये कॉस टू द पावर फोर थीटा। इसी तरह से वन इंटू मैंने क्या कहा इसके रेसिप्रोकल यानी ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल साइन है, माइनस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कॉस एक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर वन माइनस साइन टू द पावर फोर थीटा, ये माइनस है। शॉर्टकट ट्रिक सीखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ये वन का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं आप वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं आप वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू। अब स्टूडेंट्स जैसा कि जानते हैं आपकी वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय ये साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एलसीएम हम डिनोमिनेटर का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर वाला और वन प्लस कॉस स्क्वायर यानी ये बच गया, तो इससे मल्टीप्लाई इसका होगा तो कॉस टू द पावर फोर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल वन प्लस साइन स्क्वायर, तो ये यहाँ से साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन फोर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस टू द पावर फोर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर फोर थीटा प्लस यहाँ साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन टू द पावर फोर थीटा बाय इसको आप मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हुआ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये माइनस ये सॉरी कैंसिल किया। अब हमारे पास सिर्फ ये दोनों बचा, मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस साइन स्क्वायर इंटू वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू वन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर।
इसके बाद देखिए कॉस फोर और साइन फोर एक ब्रैकेट में लेते हैं, साइन फोर थीटा प्लस, और यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर और फिर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो बचा क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ये तो वन आ गया, इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसको लिखेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो है आपका वन, वन का स्क्वायर वन माइनस यहाँ से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से आपको मिला वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका RHS आया और फ्रॉम LHS। स्टूडेंट्स जस्ट आई हैव कंप्लीटेड द फाइव क्वेश्चन सीरीज एंड आई होप यू मस्ट वॉच फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड होप नाइस अ डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।